हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आदि गणेश। बात चल रही थी आधुनिक काल के अंदर हिंदी साहित्य जो हमारा चल रहा है, आज आधुनिक काल से थोड़ा सा आधुनिक काल के अंदर आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, और आज हम बात करेंगे आधुनिक काल के अंदर गद्य काल के विविध विधाओं के बारे में। गद्य के अंदर जो जो विधाएं होती है उनकी बात करेंगे, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं गद्य की विधाओं के अंदर उपन्यास की, हिंदी उपन्यास। तो हिंदी उपन्यास की बात करते हैं दोस्तों, तो हिंदी के अंदर सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास कौन कौन से और किन किन ने लिखे सर्वप्रथम, वो देखते हैं। तो हिंदी के अंदर सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास लिखने वाले रचनाकार थे, सबसे पहला उपन्यास था भाग्यवती, लेखक इसके थे श्रद्धाराम फुलौरी 1877 ईस्वी में। भाग्यवती, लेखक श्रद्धाराम फुलौरी और 1877 ईस्वी। परीक्षा गुरु, लेखक थे इसके लाला श्रीनिवास दास और 1882 ईस्वी। दोस्तों एक बात ध्यान रखें परीक्षा में, आप भाग्यवती जो उपन्यास है इसमें उपन्यास के जो तत्व होते हैं वो सारे तत्व नहीं मिले, इस कारण परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो वहां पर करो क्या आप परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास द्वारा रचित, क्योंकि इसमें उपन्यास के जो जो भी तत्व होते हैं वो सारे इसमें थे इस वजह से। अब प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हिंदी उपन्यास की हम अगर काल विभाजन करें, तो प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हिंदी उपन्यास का काल विभाजन करते हैं, तो सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद से पहले के, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद के समय के, और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद के बाद के उपन्यास। ये इसको तीन भागों में हम उपन्यास को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अब हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद से पहले के कौन कौन से रचनाकार जिन्होंने हिंदी में उपन्यास लिखे। सबसे पहले पंडित बालकृष्ण जो रचनाकार थे, इन्होंने लिखा था रहस्य कथा 1879 ईस्वी में, रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, सो अजान एक सुजान 1892 ईस्वी, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, रचनाकार थे पंडित बाल कृष्ण। आगे देखते हैं ठाकुर जगमोहन, ठाकुर जगमोहन का उपन्यास था श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी, 1888 ईस्वी। लज्जाराम मेहता या शर्मा, लज्जाराम मेहता या शर्मा, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये उनके उपन्यास है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, धूर्त रसिक लाल, आदर्श हिंदू, सुशीला विधवा, आदर्श दंपति। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, धूर्त रसिकलाल, आदर्श हिंदू, सुशीला विधवा, आदर्श दंपति। राधा कृष्ण दास के देखते हैं तो निशा हिंदू, ध्यान रखें दोस्तों 1890 ईस्वी में, और गोवध पर, निशा हिंदू गोवध पर। बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास देखते हैं तो चंद्रकांता 1882 ईस्वी में, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर या कटोरा बरकून, अनूठी बेगम, माया महल, भयानक खून, ये थे बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास। दुर्गा प्रसाद खत्री के उपन्यास देखते हैं रक्तमंडल, मृत्यु किरण, सफेद शैतान। हिंदी के अंदर प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों के अंदर दो तीन रचनाकार और हैं, वो देखते हैं। आगे है हमारे किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी के जो उपन्यास थे जिंदगी लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, याकूत तख्ती, प्रणयनी,
परिणय मस्तानी सुख सर्वरी लवंग लता प्रेममयी कुसुम कुमारी त्रिवेणी तारा चपला अंगूठी का नंगीना और लखनऊ की कब्रा। लखनऊ की कब्र भी मिल सकता है। ये किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास थे। अब गोपाल राम गहमरे, इनको जासूसी उपन्यासकार भी कहा जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है कि जितने भी उपन्यास लिखे वो जासूसी के प्रकार के हैं। सरकटी लास 1900 में, जासूस की भूल 1901 में, जासूस पर जासूसी 1904 में, गुप्त भेद 1913 ईस्वी, जासूसी की अय्यारी 1914 ईस्वी, अद्भुत लाश अद्भुत खून और खूनी कौन। और जो गोपाल राम गहमरी है, अंग्रेज उपन्यासकार थे, ऑर्थर कानन, इनसे प्रेरित होकर ही इन्होंने ज्यादातर जासूसी उपन्यास लिखे हैं। और तक कानन से प्रेरित होकर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाट 1899 और अधखिले फूल 1907 में, राधिका रमण प्रसाद सिंह इनका उपन्यास प्रेम लहरी। दोस्तों इस हिंदी साहित्य कक्षा में हमने देखा प्रेमचंद जो युग था उससे पूर्व जितने भी रचनाकार हुए उपन्यासकार हुए उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे। अब हम बात करेंगे अगली कक्षा में प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों के। अगर आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि सभी की निःशुल्क मदद हो सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।